हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के एमए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एमए प्रीवियस, और सेमेस्टर ये है आपका फर्स्ट, और पेपर का नाम है आपका पोएट्री और पेपर फर्स्ट है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पेपर होगा 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स के सीसी होंगे, और अगर आप प्राइवेट है तो पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। राइट गाइस, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, हर क्वेश्चन पेपर में तीन सेक्शन रहेंगे आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन है यहाँ पे सॉरी, और एक के अंदर पूछा जाएगा 5x3 यानी 15 मार्क्स का, और सेकंड में पूछा जाएगा 5x5 यानी कि 25 मार्क्स का। ठीक है, और साथ ही साथ में दूसरा रहेगा यहाँ पर सेक्शन ए, दो क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है, और अटैम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी से टू क्वेश्चन ईच यूनिट से रहेंगे। साथ ही साथ में वर्ड लिमिट दी हुई है आप लोगों को, यहाँ पर 100 वर्ड्स में 2 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन, और 500 वर्ड में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने होंगे। अब आपको स्क्रीन पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4th एंड 5th ये आपको लगातार स्क्रीन पर शो हो रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रिकमेंडेड बुक्स हैं तो आप ये पेपर कौन सी बुकों से पढ़ना बेटर रहेगा, तो यहाँ पे 4 रिकमेंडेड बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप अगर इन 4 से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। अब आ जाता है आपका इंग्लिश लिटरेचर का सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर नंबर 2 ड्रामा, इसमें भी वही 50x40 वाला रहेगा, और क्वेश्चन लिमिट वही रहेगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, अब ये कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ये 4 बुक सजेस्ट की हुई है, तो आप ये वाला पेपर इन बुकों से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। एमए प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 3, 40x50 का यही रूल रहेगा यहाँ पर, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, देन यूनिट 5, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब के, ये रिकमेंडेड बुक हैं, आप इन बुकों को पढ़ करके काफ़ी अच्छा जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो भी पा सकते हैं। एम ए प्रीवियस लिटरेचर पेपर नंबर 4, 40x50 सेम क्वेश्चन आंसर रहेंगे यहाँ पर, और इसमें भी 5 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको 5 बुक सजेस्ट की हुई है, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट, और अब हम बात करते हैं हमारे एमए इंग्लिश लिटरेचर का जो सेमेस्टर 2 है उसके अंदर जो कौन कौन से पेपर, कौन कौन सा सिलेबस और कौन कौन सी बुकें हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कोई क्वारीज है, कोई क्वेश्चन इनके पेपर चाहिए तो सब कुछ अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, देन लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5।
फोर बुक सजेस्ट की हुई है आप सीएम, जैसे प्रोवर की है, रोमांटिक जो इमेजिनेशंस वगैरह हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग जो बुक्स हैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट की हुई है। एम ए ब्रिवियस इंग्लिश लिटरेचर सेकंड ड्रामा, पेपर नंबर सेकंड है ये, वही 40-50 का रूल है। क्वेश्चन अब आप प्रीवियस की एग्जाम दे ही चुके हैं, आपको सब पता चल ही चुका है चूँकि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं। यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। और यहाँ पर आपको ये फोर बुक सजेस्ट की हुई है इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप चाहें तो इन बुकों से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर थर्ड, एमए इंग्लिश लिटरेचर फिक्टेशन, और वही 40 देन 50। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम, इसलिए हम बार बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन यूनिट फिफ्थ। अब देखो इस पेपर को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बुक सजेस्ट की हुई है, मतलब आप मान के चलिए ये 8 से 10 बुक राइटर्स एंड बुक्स हैं। आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो ये पेपर काफ़ी अच्छे से आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना बुक्स राइटर बुक नेम के, तो आपको लाइब्रेरी में है, ऑनलाइन है, कहीं पर भी मिल जाएगी। एम ए प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर सेकंड फोर्थ फोर्थ पेपर है ये आपका, वही 40-50 वाला रूल, क्वेश्चन आंसर सेम, और यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन यूनिट फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा? आर पी तिवारी की बुक है, एस आपका कैरियन क्रॉस की बुक्स हैं, आप इन फोर बुकों से पढ़ सकते हैं, पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अभी तो प्रीवियस की बात कर ली अपन ने, अब आपका एमए फाइनल ईयर इन थर्ड, और एमए थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका इंग्लिश लिटरेचर क्रिटिकल थ्योरी ये कंपलसरी पेपर है, ये सभी के लिए होता है ना। और यहाँ पर वैसे कंपलसरी ऑप्शन तो ये है आपका कंपलसरी, आप इसको हटा नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। चूँकि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड सेमेस्टर क्लियर करके आ गए, तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा पता चल ही चुका है। और यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। बुक्स देख लेते हैं हम यहाँ पर, कपिल कपूर की क्रिटिकल थ्योरी है, लिटरेचर जो थ्योरी है आर एस पाठक की है, ये बहुत सारी बुक्स आपको स्क्रीन पर लगातार शो हो रही है, आप इन बुकों से जो ये क्रिटिकल थ्योरी है इसको पढ़ सकते हैं। एम ए फाइनल वही, यानी कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर है इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज, और ये भी कंपलसरी पेपर है, आप इसमें चॉइस नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी पेपर है आपका 40-50 वही। और यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वगैरह से रिलेटेड है। और सजेस्ट जो बुक्स हैं आप इनको यहाँ पे, ये इसको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इन बुकों को देख सकते हैं। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर इंडियन राइटिंग इन, जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये आपका पेपर थर्ड है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये ले या अगला पेपर जो हम दिखाएंगे वो ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपके कॉलेज में चलता है या जैसा आपको पेपर पढ़ना है। यूनिट वन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री,
शॉर्ट स्टोरी आर के नारायण वगैरह है। सजेस्ट बुक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 बुक्स दी हुई है आपको, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं ये वाला पेपर। अब आ जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन इंग्लिश। ये पेपर 3rd भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो वो पेपर लें, आप चाहे तो ये पेपर लें। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, 1 यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, देन आ जाता है आपका लास्ट यूनिट नंबर 5th। 2 बुक्स दी हुई है, आप चाहे तो इन बुकों से पढ़ सकते हैं। दो ऑप्शनल उधर देख लिया आपने पेपर 3rd में। अब 3rd सेमेस्टर का ही इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल स्टडी है, पेपर नंबर 4th है, ये भी ऑप्शनल है, आप ये ले सकते हैं। आप अगला दिखाएंगे वो ले सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th, देन यूनिट 5th। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर है ये आपका, ये भी ऑप्शनल पेपर है 4th का भी, आप चाहे तो वो पेपर ले, आप चाहे तो ये ले, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा कॉलेज में चलता हो। यूनिट 1, यूनिट 2nd, 3rd, 4th एंड लास्ट आ जाती है यूनिट नंबर 5th। और बुक्स शो हो रही है, आप चाहे तो ये बुक्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें देखो आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर 4th पेपर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। चाहे तो आप ए बी चुने या सी चुने, एक चुनना है आपको कोई भी। यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट नंबर 3rd, यूनिट नंबर 4th, देन यूनिट नंबर 5th। ये बुक्स हैं यहाँ पे, रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप चाहे तो इनसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका, आपने 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस देख लिया है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब हम बात करेंगे 4th सेमेस्टर की, यानी हमारा एमए फाइनल कंप्लीट होने वाला है। 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का क्रिटिकल थ्योरी ये कंपलसरी पेपर है जो आपने पहले चॉइस किया है। 3rd सेमेस्टर में वही 4th में चलते हैं, ये कंपलसरी पेपर तो आपको पढ़ना ही है। यूनिट 1, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट नंबर 4th, देन यूनिट नंबर 5th। बुक्स देख लेते हैं हम यहाँ पर, रिकमेंडेड बुक्स हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ, एडिशन टू पेपर ऑफ थ्योरी दे आर विल बी ए प्रोजेक्ट ऑफ 50 मार्क्स इन सेमेस्टर 4, है ना। अब देखो अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो इस वजह से क्या बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं सिलेबस से। ये अब ये प्रोजेक्ट होता है या नहीं होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि घर से लिख के देने थे क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड करे थे, फिर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम हुई है इस बार, तो आप ये उस पर डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, है ना, इस सेमेस्टर में ये 50 मार्क्स का होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये भी कंपलसरी पेपर है आपका जो आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी, एग्ज़ाम का पैटर्न तो वही रहेगा। अब हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी है यूनिट 2nd,
यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन आ जाती लास्ट में यूनिट नंबर फिफ्थ। बुक्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। अब एम ए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर का इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ऑप्शनल नंबर आपका थर्ड, जो पेपर नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर वन, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में जो चयन किया था पेपर, वही आपको इस बार यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में भी उसी की एग्जाम देनी है। तो यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ, और यहाँ पर आपको एक फोर बुक सजेस्ट की हुई है। अब पेपर नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी है, कॉमनवेल्थ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर का फाइनल में पेपर पैटर्न वही 40-50, यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ। और ये बुक्स दी हुई है तो आप इन बुकों से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका सेमेस्टर फोर्थ का पेपर नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर एक, वही 40-50, पेपर पैटर्न डिस्कस हो चुका है पहले से। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट फोर्थ, और लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। अब आ जाता है आपका फाइनल ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फोर्थ अमेरिकन लिटरेचर, ये भी ऑप्शनल है आपका, आपने जो थर्ड सेमेस्टर में चॉइस किया था। यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, और यूनिट नंबर फिफ्थ। ये बुक्स दी हुई है, आप चाहें तो इनमें से कोई सी भी बुक जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। अब आ जाता है आपका पेपर फोर्थ का सी। अब आपने जो थर्ड सेमेस्टर में आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो चॉइस किया था वही पेपर आपको फोर्थ में भी पढ़ना है। यूनिट वन, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ। ये बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लाइब्रेरी से, आप ऑनलाइन कैसे भी इन बुकों को मंगा कर पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।